Invincible. काम की चीज को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हुंडई एक्सेंट, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि इसकी जो टॉप है वो ब्लैक किया जा रहा है, जो कि पहले से ब्लैक था, बट जिन भैया की गाड़ी है उन्होंने दोबारा से इसको ब्लैक करवाया। तो एक बार मैं पूरा होने के बाद दोबारा दिखाऊंगा, साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगा कि जो उसकी सीट्स हैं, पैसेंजर सीट्स और पीछे जो भी टोटल सीट्स होती है, जिनमें सोफ़ा हो गया और आगे की दो पैसेंजर और ड्राइवर सीट होती है, उसमें अभी कवर का काम चल रहा है। तो इसके अंदर अभी भैया फॉर्म डाल रहे हैं, नरेश भैया फिर से हैं भाई, तो ये अभी फॉर्म डाल रहे हैं। तो जब ये फॉर्म वगैरह का कंप्लीट हो जाएगा, पूरी सीट कैसी दिखेगी वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू चेक करा दूंगा। भैया ठीक ठाक से फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो कवरिंग कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कवरिंग अब इस तरह से ये इसको चारों तरफ से क्लिप से क्लिपिंग होगी इस पर, और उसके बाद ये कसा जाएगा बकेट फिट देने के लिए इसको, और जितना भी इसके अंदर फॉर्म भरा है वो इसलिए कम्फर्टेबली, जो भी कम्फर्टेबल लगे, कम्फर्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार गाड़ी की सीट जो तैयार हो गई है उसकी तरफ। ये वाली सीट जो है आगे की तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं बकेट फिटिंग वाली ये सीट्स हैं। एक्सेंट, फोर एक्सेंट इसमें लिखा भी हुआ है कि फोर एक्सेंट का लगा हुआ है। साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि जो भैया हैं, जो नरेश भाई है, वो अभी इसका जो पीछे वाला आर्मरेस्ट होता है, जो उसके सोफे में आर्मरेस्ट लगा होता है, उसके भी बकेट फिटिंग फिट कर रहे हैं, कट वगैरह करके उसके बाद ठीक ठाक से उसको फिट कर देंगे। जब ये सारा फिटिंग हो जाएगा एक बार मैं आपको चेकआउट करा दूंगा कि किस तरह से इसका पूरा सोफ़ा और किस तरह से इसकी ड्राइवर पैसेंजर सीट लगने वाली है। साथ साथ में मैं आपको इसके साथ लेके चलता हूँ आपको लाइट की तरफ, जिसमें आगे इसमें लाइट का काम हुआ है, जिसके अंदर प्रोजेक्टर लैंप लगाए गए हैं। तो ये भैया अभी इंस्टॉल करेंगे गाड़ी के अंदर, जैसे भैया इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको शो करने जा रहा हूँ। जस्ट भैया ने अभी आगे का जो सिस्टम है वो खोल लिया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें DRL भी लगे हैं नीचे, जो कि जब आप लाइट ऑन करते हैं तो वो जलेंगे। किस तरह से होगा मैं बताता हूँ, जैसे भैया अभी फिटिंग कर रहे हैं इसकी, साथ साथ में मैं आपको शो कर देता हूँ कि फिटिंग के बाद ये कैसे कैसे क्या क्या सामान इसके साथ लगता है, क्योंकि डायरेक्टली लाइट नहीं लगती है। एज ए चौक इसके अंदर एक डिवाइस लगता है छोटा सा, जिसको ये आपको दिखा देता हूँ मैं, EMC का डिवाइस है, हाई वोल्टेज, जिसमें क्या होता है जो उसका प्रोजेक्टर है वो तुरंत जल्द से जल्द प्रोजेक्टर चालू करने के लिए ये लगाया जाता है, ताकि प्रोजेक्टर तुरंत ही हम लाइट ऑन कर दिए, हमारी जो पूरी लाइट है प्रोजेक्टर दे पाए। तो ऐसे जैसे हम घर में ट्यूबलाइट में चौक लगाते हैं ताकि हमारी जो ट्यूबलाइट है वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाए, तो एक क्विक स्टार्टर होता है एक तरह से, वही चीज़ होता है 12 वोल्ट, जैसे कि आप देखें क्रिस्टल आई, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये भी है, ताकि आपकी लाइट सेफ रहती है और काफ़ी अच्छी लाइट इसमें रहती है। तो वायरिंग का काम अभी इसके अंदर चल रहा है। साथ साथ में इसमें जो इसके नीचे फॉग लैम्प है उसके अंदर ये वाला नाइट आई का ये फॉग लैम्प के अंदर लगेगा, ताकि जो ऑटो लाइटिंग आप देख रहे हैं, पूरी ब्रांडिंग मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ। कपलर वाला फिटिंग है इसका, डायरेक्ट कपलर के अंदर फिट करना है, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो कैसा इसका लुक रहने वाला है वो मैं आपको टोटली दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि हाँ लाइट किस तरह से लगने वाले है। इसके साथ साथ अंदर फ्लोरिंग चल रही है गाड़ी की अभी, जो कि नरेश भाई और हमारे जो ओमी भैया हैं वो दोनों इसकी फ्लोरिंग कर रहे हैं। पूरी गाड़ी फ्लोरिंग हो जाएगी, फ्लोरिंग होने के बाद सीट्स वगैरह जब इसकी कवर होती है, देन मैं आपको दिखा दूँ कि कैसा ये लगने वाला है आपको टोटल अंदर से, किस तरह से बिल्कुल गाड़ी अच्छी लगेगी आपको भी, क्योंकि जो उसका ओवरलुक है, जो खर्चा किया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके डैशबोर्ड के अंदर भैया लाइट लगा रहे हैं, डैशबोर्ड लाइट जो होती है ये लग रही है, ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम लुक देती है, एंड पूरे डेस्कटॉप पे ब्लू कलर की जलती है। जिस तरह से जलेगी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी लाइट हमारी लग चुकी है, बम्पर फिट हो चुका है, लाइट चेक कर सकते हैं आप। दिन का टाइम है, रात के टाइम भी आपको मैं एक बार चेकआउट करा दूंगा। इंडिकेटर पर लाइट है, अगर इंडिकेटर बंद करेंगे तो व्हाइट कलर की जलती है। साथ में जो फॉग लैंप है देख सकते हैं, दिन में इतनी तेज़ है तो रात में तो वो काफ़ी अच्छा लगने ही वाला है, यानी कि पूरा वो एक तरह से होता है रात में दिन निकालना, तो वही चीज़ ये प्रोजेक्टर काम करेंगे। इसके साथ साथ आपको चारों लाइट मैंने चालू करके दिखा दिया है। इसके बाद अभी लेके चलता हूँ मैं आपको स्टेयरिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं ओमी भैया, कैसे हो भैया? भैया भैया जैसे कि आज फिर से स्टेयरिंग कवर लगाते हुए, ये फिटिंग भी देख लो एक बार, सीट की जो फिटिंग हुई है बहुत अच्छी फिटिंग
भैया ने ही की है फिटिंग भी, ये पीछे वाली सीट। ये भैया कौन सा वाला कपड़ा लगा रखा आपने? ये नापा लदर है। ये नापा लदर ही है? कल हमने स्टेलिन लगाया था, कल स्टेलिन लगाया था, आज नापा नापा लदर है जी। ये भी नापा लदर ही होगा, ये दूसरा है, ये स्टेलिन है, ये स्टेलिन है। फर्क पता करते हैं, आपको पता चल जाता, हमें तो पता नहीं चलता फर्क क्या है इसके अंदर। बाकी इसके अंदर इंस्टॉल हुई है ये ब्लू कलर की जो लाइट लग रही है, डैशबोर्ड लाइट, एटमॉस्फेयर, म्यूजिक प्लेयर गाड़ी के साथ ही था इसके अंदर, जो भैया ने पहले से लगवाया हुआ था हुंडई एसेंट। इसके साथ साथ आगे इसके अंदर अभी मैट नहीं डले ना इसमें, अभी मैट नहीं डले, मैट डलना है इसके अंदर। जब मैट डलते हैं मैट दिखाता हूँ मैं भी आपको। गाड़ी में जो मैट डलने वाले हैं वो इस ये वाले 4D मैट डलने वाले हैं। इसका मैं आपको एक बार कवर का ओवरलुक भी चेक कराता हूँ कि ये 4D है कि नहीं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक कटोरी टाइप का कट होता है, इसमें जो भी गंदगी होती है काफ़ी अच्छे से, अगर आप इसमें गंदगी होने के बाद आप इसको निकाल सकते हैं, गाड़ी हमारी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। मैट किंग का लग्जरी कार मैट्स 4D कार फ्लोर मैट्स आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ ये मैट है, जो कि आपको मैंने आगे की तरफ से भी जो होता है वो भी दिखा दिया, ये पीछे वाला जो बीच में होता है वो भी दिखा दिया। साथ में इसमें एक्सेंट की ब्रांडिंग जो कि पहले से ही इसमें गाड़ी में लगी हुई थी, यानी कि भैया ने पहले भी इसमें थोड़ा काम करवा रखा था तो ये ऑलरेडी पहले से लगी हुई थी। पीछे से बिल्कुल सिंपल सोवर लुक रखा गया जो गाड़ी का आता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। साइड मिरर की तरफ चलते हैं, साइड मिरर में इसमें अनलॉक और लॉक पर एक रिले लगती है, जब आप गाड़ी अनलॉक करते हैं तो वो खुल जाता है और जब लॉक करते हैं तो बंद हो जाता है। वो ये गाड़ी के अंदर फीचर नहीं था या नई में आ रहा है, लेकिन इसमें बटन फीचर था कि बटन दबा के आप कर सकते थे। अब मैं रात का एक बार आपको लास्ट लुक दिखा देता हूं कि गाड़ी का लुक कैसा लगने वाला है आपको, और फिर खत्म करते हैं। साथ साथ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए किस तरह से आपको लाइट लग रही है। खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर।